हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवंबर की 13 तारीख है और अब सर्दियों के पौधों को लगाने का बिल्कुल सही समय आ गया है। सर्दियों में कई वैरायटी के प्लांट आजकल नर्सरीज में अवेलेबल रहते हैं, जिस कारण हमारे नए साथियों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इस सब में से कौन सा प्लांट हमारे यहाँ की कंडीशन में ठीक से ग्रो हो जाएगा या कौन सा प्लांट कितने समय तक सर्वाइव करता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इन सब की केयर करना। वैसे तो सर्दियों में ग्रो किए जाने वाले पौधों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 20 प्लांट ऐसे हैं जिनको आप इस महीने नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, और इनमें से कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है कोलियस का प्लांट, जो एक सीजनल प्लांट है। अभी से लेकर ये प्लांट अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। इसके बाद इसके बीज से इस प्लांट को दोबारा ग्रो किया जा सकता है, जिससे कि गर्मी आने पर ये फिर से फूल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये परमानेंट है। अगर आपने मार्च या अप्रैल के बाद इसके बीज को बचा लिया तो ये पूरी गर्मी आपको फूल देगा। दूसरा प्लांट है ये वर्बीना का प्लांट। ये भी एक सीजनल प्लांट है। ये भी मार्च या अप्रैल तक ही फूल देता है। इसके बाद इसको बीज से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। कॉस्ट की बात करूँ तो सभी सीजनल प्लांट 15 से 20 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। इस लिस्ट का अगला प्लांट है ये गजानिया का प्लांट। वैसे ये भी एक सीजनल प्लांट ही है जो अप्रैल तक हमारे गार्डन में रहता है, लेकिन मेरे लास्ट ईयर का ये प्लांट अभी तक मेरे पास सर्वाइव कर गया। इसके पेटल दिन में खुल जाते हैं और रात को ये बंद हो जाते हैं। ये भी कई रंगों पर नर्सरीज पर अवेलेबल हो जाता है। वैसे जो साथी नए हैं उन्हें बता दूँ कि सर्दियों के पौधों को बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन पौधों की लाइफ साइकिल 5 या 6 महीने की ही होती है। इसलिए इनको ऐसा गमला दे जो गहराई में कम हो और चौड़ाई में ज़्यादा हो। अगला है जिरेनियम का प्लांट, जो एक परमानेंट प्लांट है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहती है। ये प्लांट आपको 50 रुपीज़ से ज़्यादा में ही मिलेगा। वैसे परमानेंट कहकर कई नर्सरी वाले इसे ज़्यादा रेट में भी सेल कर देते हैं, लेकिन इसे बरसात में बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी पड़ने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती। जिन दोस्तों के गार्डन में कम धूप आती हो वो साथ ही भी इसे परचेज करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंटशीटिया का प्लांट है। ये भी एक परमानेंट प्लांट है जिसकी पत्तियां अपना कलर चेंज करती हैं। ये पौधे मेनली पूना से नर्सरीज में भेजे जाते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। आजकल इसका मैच्योर प्लांट लगभग 300 रुपये की रेंज में आपको मिलेगा। अप्रैल के बाद इसकी पत्तियाँ फिर से हरी हो जाती हैं। जिरेनियम की तरह ही ये प्लांट भी कम धूप वाली लोकेशन में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करता है। अगला है डहेलिया का प्लांट, जो कि एक परमानेंट प्लांट है। इसमें भी आपको कई कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसके फूल काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, जो एक बार खिलने पर कई दिनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। फ्रेंड, ये परमानेंट तो है, लेकिन गर्मियों में इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और इसका बल्ब इसकी मिट्टी में ही रहता है, जो बरसात के बाद फिर से ग्रो हो जाता है। ये जरबेरा का प्लांट है, जो एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक ये सबसे अच्छी तरह ग्रो होता है। गर्मियों में इसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में इसके फूल 1 महीने तक भी खिले रहते हैं। ये प्लांट कम धूप वाली लोकेशन में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो होता है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 100 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा प्लांट गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो मैं गुड़हल का नाम ज़रूर लूँगा। इस वीडियो में हिबिस्कस के साथ साथ 3 और भी ऐसे पौधे हैं जिन्हें मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ख़रीदने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सभी पौधे कम देखरेख के साथ आपके गार्डन में पूरे साल फूल देते हैं। आज का वीडियो वैसे ही बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिबिस्कस जैसे कुछ प्लांट की केयर का लिंक भी दे दिया है। अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वैसे हिबिस्कस के प्लांट आपको 100 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड, लाल मिट्टी में लगे हिबिस्कस के प्लांट को ना ही खरीदें तो बेटर है। कोशिश करें कि ऐसा प्लांट खरीदें जो ब्लैक सॉइल में लगा हुआ हो, क्योंकि लाल मिट्टी में लगा प्लांट अभी तो कुछ महीने तक ठीक से ग्रो करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। फिर आपको इसे गमले से निकाल कर इसकी सारी लाल मिट्टी को हटाना पड़ेगा। मैंने भी लास्ट ईयर एक प्लांट परचेज किया था जो लाल मिट्टी में लगा हुआ था, लेकिन 1 साल के बाद मुझे उसे गमले से बाहर निकालना पड़ा। उसका वीडियो भी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। अगला प्लांट है ये गुलाब का प्लांट।
अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक गुलाब के प्लांट को ग्रो करने का सबसे बेस्ट पीरियड रहता है। लेकिन फ्रेंड मेरे पास इसका एक भी प्लांट नहीं है, क्योंकि अप्रैल के बाद इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदता। मेरे एक नए फ्रेंड का कमेंट आया था कि उनके गुलाब के प्लांट में फूल नहीं आ रहे, तो फिर मुझे जितना भी एक्सपीरियंस था उसी के बेस पर मैंने उनको इसका सोल्यूशन बताया। आई होप कि मेरे उन फ्रेंड का प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये प्लांट भी आपको 100 रुपीज़ की रेंज में नर्सरीज में मिल जाएगा। अगला प्लांट है ये पेंटास का प्लांट। ये दूसरा ऐसा प्लांट है जिसे मैं आपको इस विंटर में परचेज करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लांट भी कम केयर में पूरे साल आपके गार्डन को कलरफुल बनाता है। ये प्लांट एक सेमी शेड में ग्रो होने वाला प्लांट है। मेरे ये प्लांट सारी गर्मी इसी सेमी शेड वाली लोकेशन में रखे थे, अब मैं इन्हें कुछ धूप वाली लोकेशन में शिफ्ट करूँगा। प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसके छोटे प्लांट 50 से 60 रुपये की रेंज में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये बोगनविलिया का प्लांट। हिबिस्कस और पेंटास के प्लांट की तरह ये भी पूरा साल आपको फूल देता है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने सभी बोगनविलिया के पौधों को गमले से बाहर निकालकर उनकी मिट्टी चेंज की थी, उसका वीडियो और अपडेट दोनों आपके साथ शेयर भी किया था। ये प्लांट भी कम केयर में ग्रो होने वाला प्लांट है, जो पूरे दिन की सनलाइट में अच्छी तरह ग्रो होता है। इसके छोटे प्लांट आपको 50 से 60 रुपये की रेंज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसकी केयर का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगला है डायंथस का प्लांट, जिसमें कई कलर ऑप्शन आपको नर्सरीज में मिल जाते हैं। वैसे ये एक सीजनल प्लांट है, लेकिन थोड़ा केयर करने पर ये पूरे साल चल जाता है। अभी से लेकर ये अप्रैल तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अप्रैल के बाद तेज़ गर्मी से बचाने पर ये पूरे साल सर्वाइव कर जाता है और अपने ग्रोइंग सीजन में फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। सर्दियों के फूलों की बात चल रही हो तो गुलदावरी का नाम ज़रूर आता है। ये भी एक परमानेंट प्लांट की तरह ही हमारे गार्डन में सर्वाइव करता है, जो नवंबर से अप्रैल तक फूल देता है। इसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन ये प्लांट हरा बने रहता है। बरसात के बाद इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करके आप कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले इसे कटिंग से ग्रो किया था और उसका अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था। प्राइस रेंज की बात करें तो ये प्लांट भी आपको 50 रुपीज़ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है केला लिली। आजकल मार्केट में लिली की वैरायटी भी काफ़ी ट्रेंड में है। ये एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी एक परमानेंट प्लांट की तरह ही हमारे गार्डन में रहता है, जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराता है और अपने ग्रोइंग सीजन में दोबारा इसके बल्ब से नया प्लांट तैयार हो जाता है। मैंने भी ये प्लांट पहली बार ही लिया है, इसलिए मुझे इसकी केयर का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए मैं इसे खरीदने के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है बिंका या सदाबहार का प्लांट। हिबिस्कस, पेंटास और बोगनविलिया की तरह ही ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है, जो पूरे साल आपके गार्डन को कलरफुल बनाते हैं। ये सभी सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो लगभग पूरा साल हमें फूल देते हैं। इसके बाद ये है अजेलिया का प्लांट, जो एक परमानेंट प्लांट है। ये भी ठंड के मौसम में ही फूल देता है और लगभग मार्च के महीने तक इस पर फूल आते हैं। इसके फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो एक बार खिलने पर कई दिनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। लेकिन जिन साथियों को इसकी केयर का एक्सपीरियंस ना हो, वो इसे ना ही खरीदें, क्योंकि मई और जून की तेज़ धूप में इनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये प्लांट आपको 100 रुपीज़ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैलेंडुला का प्लांट, जो कि एक सीजनल प्लांट है। ये भी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। उसके बाद इसके बीजों को कलेक्ट करके बरसात के बाद इनसे नए प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। अभी नर्सरीज पर ये कई रंगों में मिल रहे हैं। जो साथी बेस्ट सीजनल प्लांट की तलाश में है, वो इन्हें ज़रूर परचेज करें। इस लिस्ट का अगला प्लांट भी एक सीजनल प्लांट है, जिसे पेंजी कहते हैं। इसके फूल देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें आँखें और मुँह हो। इसमें भी कई कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये प्लांट सेमी सीड में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो होता है। अप्रैल के बाद ये अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं और फिर इनको बीज से ग्रो करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला प्लांट है मैरीगोल्ड या गेंदा, जो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक फूल देता है। लेकिन इसका एक ही प्लांट इतने लंबे समय तक फूल नहीं देता, इसके लिए बार बार इसको कटिंग से ग्रो करना पड़ता है। इन सभी पौधों को मैंने इसकी छोटी सीडलिंग से ग्रो किया था और उस समय वो वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ ही इसको कटिंग से ग्रो करने से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
और फाइनली ये रहा गेंदे की तरह ही सर्दियों में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लांट पिटूनिया। इस प्लांट को मैं सबसे पहले नंबर पर रखना चाहता था, लेकिन वीडियो एडिट करते समय इसकी पोजीशन लास्ट रह गई। इस प्लांट में आपको सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, और सच कहूँ तो सर्दियों के सीजनल पौधों में सबसे अच्छा प्लांट मुझे यही लगता है। ये प्लांट अप्रैल तक फूल देता है। इस बार मैंने इसके 10 प्लांट खरीदे, और इनको किस तरह गमले में लगाना चाहिए इस टॉपिक को लेकर भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था। फ्रेंड, विंटर्स के सभी सीजनल प्लांट आपको 15 से 20 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। तो ये थी उन 20 पौधों की लिस्ट जिन्हें आप नवंबर के महीने नर्सरी से खरीद सकते हैं। फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश की कि वही प्लांट आपको दिखाऊं जो सर्दियों में कम देखरेख के साथ ग्रो हो जाते हैं। आपने इस बार अपने गार्डन के लिए कौन कौन से प्लांट परचेज किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आज का वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।